कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नंगा भूखा कहने के मामले को लेकर बीजेपी आक्रामक मुद्रा में है। बीजेपी चुनाव के मौसम में इस मसले को भुनाना चाह रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने ग्वालियर के महाराज बाड़े पर एक विरोध सभा का आयोजन किया और कांग्रेस को गरीबों की विरोधी बताया। कांग्रेस का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा कहना उसके गले की हड्डी बन गया है। कांग्रेस इस मसले पर चुप्पी साधे है, वहीं बीजेपी आक्रामक और हमलावर हो गई है। ग्वालियर में विरोध सभा में बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के नेता जिस प्रकार मुख्यमंत्री के बारे में अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे प्रदेश के उन सभी लाखों करोड़ों लोगों का अपमान हो रहा है जो गरीब हैं। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान पूछा कि कांग्रेस के जो आज धन्ना सेठ हैं, उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई। इसका जवाब कांग्रेस को जनता को देना चाहिए। इस समय कांग्रेस उपचुनाव में बुरी तरह से हार दिख रही है, जिसके कारण वो हताश और निराश है। यही हताशा और निराशा का कारण है कि उसके पार्टी के नेता उल जलूल बयान दे रहे हैं। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि हम मानते हैं कि शिवराज सिंह गरीब हैं और गरीब घर के बेटे हैं, तो इसमें उनका गुनाह क्या है। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, यही कारण है कि देश और प्रदेश की जनता आज गरीब के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो कांग्रेस क्या चीज है। देखिए, कांग्रेस ने जिस प्रकार इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में अमर्यादित भाषा बोली है, भूखे नंगे परिवार से, गरीब परिवार से, किसान परिवार से, मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री पर जो कटाक्ष किया गया है वो केवल मुख्यमंत्री पर नहीं, मध्य प्रदेश की उस लाखों करोड़ों आबादी पर जो किसानी करती है, गरीब है, मजदूर है, अपना पेट मुश्किल से भरती है, उस पर एक कटाक्ष किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, इस मनोवृत्ति की निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके मुख्यमंत्री यहाँ 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार में रहे, वे नंबर दो के उद्योगपति हैं देश के। वो जो 15 साल जिनने सरकार चलाई वे गरीब हैं, और उन्होंने जो शब्द उपयोग किया भूखे नंगे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 साल का मुख्यमंत्री अगर गरीब है तो उसका उसमें क्या गुनाह है। वो गरीब होना गुनाह है, तो मैं भी शिवराज हूँ। ऐसा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश चलाया है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।